एक आंख नीली है, एक आंख हल्की सी ऑरेंज टाइप की कंजी कह सकते हो। तो YouTube पे और Instagram पे कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट चलाया था, मतलब एक पोल चलाया था कि मैं पूछ रहा था कि भाई मेरे को लेना है एक और न्यू पप्पी हमारे चैनल के लिए, हमारी फैमिली के लिए, YouTube फैमिली के लिए, तो बताओ कौन सा लो। तो दो सजेशन मैंने दिए थे, एक था साइबेरियन हस्की और एक था हमारा गोल्डन रिट्रीवर। तो ये सबसे ज़्यादा वोट मिली 80% एवरेज साइबेरियन हस्की के लिए। तो मैंने शुरुआत कर दी हस्की को ढूंढने की, पूरी दिल्ली में छाना भैया, कभी कहीं मिल रहा है, कभी दूर मिल रहा है, कभी पास मिल रहा है, कभी बहुत महंगा मिल रहा है, कभी ये, कभी ऊपर, कभी नीचे। बट एंड ऑफ द डे आज मुझे एक बंदे की कॉल आई है, उसने बोला भाई मेरे पास अवेलेबल है तो मुझे अभी जाना होगा और मैं अभी निकल रहा हूँ। और रास्ते में जब हम इसको लेके आ रहे थे अपने हस्की को, तो यार मतलब रास्ते में एक घर पड़ता है मेरे फ्रेंड का, तो उनके फादर का रिएक्शन देखो, वो बोल रहे थे ये भाई बिल्ली है ये, तो मैंने बिल्ली नहीं है ये एज मैंने उनको बताया था डॉग का, वो बहुत खुश थे। एक्चुअली उनके पास भी एक डॉग है, ये देख रहे हो ना आप, अमेरिकन बुली है, उन पर बहुत सुंदर डॉग है ये भी, और ये देखिए बड़े खुश थे। तो चलो अब हम घर चलते हैं, रिएक्शन तो आपने अंकल जी का देख ही लिया होगा, काफ़ी पॉजिटिव आया है। और भाई जितने भी लोगों ने देखा है ना इसको, भाई सब बोल रहे हैं वाकई यार बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत क्यूट। राजा ये इन्होंने चीनी चीनी अरे पागल है चीनी कैसा नाम रख कुछ बता मैं बता दूंगा तेरे को सोच के मुझसे दूर रह, मुझसे दूर रह, ना वैसे तो फ्रेंडली है। तो भाई जल्दी से इसके फैक्ट्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। वैसे बहुत सी वीडियो है यूट्यूब पे, आप जाके सर्च करोगे हस्की के फैक्ट्स ये वो सब बताते हैं, लेकिन मेरे पास आपके सामने है और तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो ये बहुत फास्ट होते हैं, ये ना मतलब इतनी तेज भागते हैं, मैं क्या बताऊँ, ये 40-50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकते हैं। और बर्फीले इलाके में रहते हैं आपको पता ही, लेकिन कुछ लोगों को लगता है गर्म में नहीं रह सकते, नहीं, इनकी एडॉप्टेशन जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये गर्मियों में मतलब क्या होता है, दिल्ली तक जैसे एरिया में भी आराम से रह सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि बचपन से, जैसे अभी मैं रख रहा हूँ ये 2-2.5 महीने का है तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि साल भर का आपने, साल भर तो रखा आपने बर्फ में फिर साल भर के बाद आप यहाँ लिए, नहीं वो दिक्कत होगी। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ कि इनकी जो आइस के जो कलर होते हैं, जब भी कोई हस्की बॉर्न होता है तो 90% उनकी आँखों का कलर ब्लू होता है, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद या कुछ दिनों के बाद या ये चेंज हो जाता है, ऐसा सब में नहीं होता लेकिन कुछ में होता है, और कुछ में चेंज एक आँख में होता है, जैसे इसकी में एक आँख में नीला है और एक में अलग है, इसकी एक आँख भी नीली है तो अब वो नीली ही रहेगी, तो मतलब डिफरेंट आइज़ है इसकी, मैं आगे वीडियो में अच्छे से दिखाऊंगा, ये देखो। और सबसे अच्छी बात ये इतने एक्टिव होते हैं ना, लेकिन ये गार्ड डॉग नहीं होते। देखो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये फैमिली डॉग हैं, खेलने कूदने वाले हैं, ये गार्ड बिल्कुल नहीं करते। तो वीडियो को आगे चलते हैं, आई थिंक इतना बहुत है। और भाई इनके रेट के बारे में यार मैं आपको क्या बताऊँ, काफ़ी लोग आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे भाई ये इतने रुपये का, भाई कोई फिक्स नहीं है, बट एक अच्छा अगर हस्की लेने जाओगे तो 40-50 हज़ार से कम का आपको मिलेगा नहीं, ये मैं गारंटी बोल रहा हूँ, लेकिन कोई फिक्स नहीं है, जिसके हाथ में पप्पी है उसके मर्जी के मांगता है वो, इसका यही हिसाब है। तो चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज पप्पी आ गया है हमारा, देखने होगी, लेकिन अभी क्या है इसमें स्मेल बहुत आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है जब से ये इसका जन्म हुआ है इसे नवाया नहीं है एक बार भी, क्योंकि सर्दियाँ भी चल रही थी उस टाइम को काफ़ी कड़क वाली। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, आपको भी आपके लिए भी खुश हो जाएगी अगर आपका भी नया पप्पी है, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ इसमें गर्म पानी लिया है थोड़ा सा, और इसमें सिर्फ हल्की सी डिटॉल गिर देते हैं, मिला लेते हैं, और किसी भी कॉटन के कपड़े में लेके उसको अच्छे से डिप करके, तो गाइस ये रहा आपका पप्पी,
एकदम रेडी, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ भाई। इसका नाम वाम क्या रखें थोड़ा बता दो हमें, बड़ी मेहनत लगी यार ये, बड़ी मुश्किल से मिला है मुझे, बहुत दिन से सर्च में था। और इसकी एक आँख नीली है, एक आँख हल्की सी ऑरेंज टाइप की कंजी कह सकते हो, बाकी धीरे धीरे बड़ी होगी तो अच्छे से पता चलेगा। और बहुत सुंदर है यार, अभी क्या है अभी इसकी वैक्सीनेशन के लिए चलते हैं, अब वैक्सीनेशन कराते हैं उसके बाद इसके लिए कुछ खरीदेंगे ही, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन हाँ वैक्सीनेशन के लिए चलते हैं, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। चलो तो भाई देखो, एक वैक्सीनेशन तो मैं इसकी करा लाया हूँ, बाकी नेक्स्ट मंथ होगी। और यहाँ पे खेल रही है, इसे खाने पीने के लिए भी कुछ लाया हूँ, लेकिन उसकी वीडियो में सेपरेट बाद में बनाऊंगा। अभी मैं इसके लिए एल ये लाया था, हड्डी छोटी सी है। ओए जरा ले, इसे कुछ अभी सेंस ही नहीं है। ले ले ले, ले। अबे इसको मैं क्या खाने को दे रहा हूँ, कैसे खाने को दे रहा हूँ, क्या कैसे सामान मैंने इसके लिए खरीदा है, उसके लिए मैं एक अलग अलग मतलब अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैंने बताया जैसे कि नेक्स्ट वीडियो वही होगी,